हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड पैशन। सो मैंने एक वीडियो शेयर किया था, 30 सेकेंड हेयर स्टाइलिंग विथ क्लचर। तो ये वीडियो जब मैंने अपलोड करा तो इंस्टा पे मेरी 3K फैमिली होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर अभी तक आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी। तो बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेजेस आए कि हमारे बाल बहुत पतले हैं, तो आप क्लचर की हेल्प से कुछ और हेयर स्टाइल हमें बनाना सिखाओ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस वीडियो को शूट करने में मैंने बहुत एफर्ट दिया है, क्योंकि मेरे पास जो फोन का कैमरा है ना, बिल्कुल नॉर्मल कैमरा है, उसमें ऑटो फोकस की बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं बैक कैमरा से शूट कर रही थी तो कुछ तो दिखता है नहीं कि आपने बैक कैमरा कर दिया, बस मेरे हाथ और दिमाग चल रहे थे। 10 बार मैंने इसका एंगल चेंज किया। एक छोटी सी वीडियो शूट करने में 1 से 1.5 घंटे मुझे लगे हैं, तो इस वीडियो को शूट करने में मेहनत किया है, तो प्लीज अप्रिशिएट करिएगा। तो चलो देखते हैं कि क्लचर की हेल्प से जो हेयर स्टाइल है ना, उसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आप अपने हेयर को अच्छे से कोम कर ले। कोम करने के बाद में आपको एक रबर बैंड चाहिए। रबर बैंड की हेल्प से आपको एक पोनी बनानी है। पोनी हाई, लो, मीडियम, किस तरह की बनानी है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे लो पोनी को बना रही हूँ। लो पोनी को बनाने के बाद में एक बार आपने अपनी पोनी को स्ट्रेच करना है ताकि जो रबर बैंड है वो अच्छे से टाइट हो जाए। उसके बाद एक होल क्रिएट करना है ऊपर में हेयर के क्राउन में। अपने बालों को ट्विस्ट करें। मेरे बाल थोड़े कर्ली है तो मैंने ट्विस्ट कर लिया। अब वो जो गैप बनाया है ना, उसमें से मैं उसको पास करूंगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद में फिर एक बार अपने हेयर को स्ट्रेच करूंगी ताकि वो बिल्कुल टाइट हो जाए। अब हमने क्लचर लेना है। आप क्लचर अपने बालों के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ले सकती हो। क्लचर को मैंने अपने रबर बैंड के ऊपर लगाया। आप ये देखो, बस लेते हुए मैंने उसे ट्विस्ट कर दिया। उसके बाद पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे, यूपिन की हेल्प से। अब जो मिडिल का हेयर है उसको पकड़ते हुए खोलेंगे कुछ इस तरीके के, देखो, तो जिससे क्लचर बहुत अच्छे से हाइड हो जाएगा एंड वो क्लचर आपके बालों में वॉल्यूम ऐड करेगा। बस डेकोरेटिव फ्लावर का यूज़ करें, आपके पास जो भी हेयर एसेसरी है। आई होप कि मैं अच्छे से आपको समझा पाई हूँ। सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए अगेन आपको एक पोनी बनानी है। इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा, आपको ट्रिकी लगेगा बट बहुत इजी। अपने हेयर को ऊपर की तरफ ले जाना है एंड वहाँ पे क्लचर लगाना है। अब होल हेयर को पकड़ते हुए क्लचर लगाने के बाद में जो हेयर आपके ऊपर की तरफ है उसको पकड़ना है एंड पकड़ के बस राउंड में एक ट्विस्ट कर देना है। बहुत ही ईजी है, इससे जो इफेक्ट आएगा ना हेयर का, बहुत अच्छा आएगा। अगेन इसको यूपिन की हेल्प से सिक्योर कर देना है। सिक्योर करने के बाद में पहले हेयर स्टाइल में हमने मिडिल से बालों को पकड़ा था, अब यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ से बालों को पकड़ते हुए खोल रही हूँ जिससे क्लचर हाइड हो जाए। ये पतले बालों के लिए मैं बता रही हूँ एंड बहुत इजी है, जिनको हेयर स्टाइल करनी बिल्कुल नहीं आती, इसलिए मैं ट्विस्ट करके बता रही हूँ कि ट्विस्ट करना हम सब को आता है। तो देखो कितना अच्छा इफेक्ट आया, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि सिंपल बन मैंने बनाया है। उसके बाद कोई भी हेयर एसेसरी लेके आप उसको डेकोरेट कर ले। तो दोनों ही हेयर स्टाइल बहुत ईजी है। बढ़ती हूँ थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। अगेन आपको रबर बैंड की हेल्प से पोनी बनानी है। पोनी बनाने के बाद में आपको क्लचर लेना है। क्लचर को रबर बैंड के ऊपर में आपने रखना है कुछ इस तरीके से जिससे एक वॉल्यूम ऐड हो। उसके बाद हेयर को 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। एक सेक्शन को पकड़ना है, ट्विस्ट करना है एंड क्लचर के अराउंड आपको रैप करना है। कुछ इस तरीके से रैप करना है कि क्लचर आपका विजिबल नहीं होना चाहिए। जो भी एंड बचता है उसे यूपिन की हेल्प से सिक्योर कर ले। सेम हम दूसरे एंड के साथ में भी करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना फेवरेट गजरा लगाया है। तो ये तीनों ही ईजी ब्रीजी हेयर स्टाइल आपको कैसे लगे। था मेरा आज का वीडियो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल।